अगला टॉपिक पाई बांध पढ़ाना था। पाई बांध किसे कहते हैं? जब दो ऑर्बिटल के बीच समानांतर अतिव्यापन होता है तो उनके बीच पाई बांध बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब दो ऑर्बिटल के बीच इंड टू इंड अतिव्यापन होता है तो उनके बीच सिग्मा बांध बनता है, परंतु जब दो ऑर्बिटलों के बीच समानांतर अतिव्यापन होता है उनके बीच पाई बांध बनता है। पाई बांध केवल पी और पी ऑर्बिटल के बीच बनता है। पाई बांध साथ फॉर्म बिटवीन टू ऑर्बिटल्स विद द ओवरलैपिंग अकर्स साइड बाय साइड आर पैरेलल। जब दो ऑर्बिटल का संपूर्ण सिरा एक दूसरे से अतिव्यापन करता है तो पाई बांध बनता है। जैसे जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है, जब एक ऑर्बिटल का अंतिम सिरा दूसरे ऑर्बिटल के अंतिम सिरे से अतिव्यापन करता है तो वहां सिग्मा बांड बनता है, परंतु जब दोनों ऑर्बिटल समानांतर अतिव्यापन करते हैं, ऐसे दोनों ऑर्बिटल समानांतर अतिव्यापन करते हैं तो वहां क्या बनता है? पाई बांड। पाई बांड केवल एक प्रकार से फॉर्म होता है, पी एंड पी, पी और पी ऑर्बिटल के बीच, पी और पी ऑर्बिटल के बीच। पाई बांध पी और पी ऑर्बिटल के बीच बनता है। पी और पी ऑर्बिटल के द्वारा सिग्मा बांड ही बनता है, पाई बांड ही बनता है। जब इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बांड बनता है, लेकिन जब संपूर्ण ओवरलैपिंग होता है, दोनों ऑर्बिटल का संपूर्ण सिरा एक दूसरे से स्पर्श करता है तो वहां पर पाई बांध बनता है। इसमें पहला है पी और पी ऑर्बिटल के बीच। देखिए पी ऑर्बिटल कैसा होता है? डंबल साइज। दो पी ऑर्बिटल लेते हैं, जब दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से समानांतर व्यापन करते हैं तो वहां पर पाई बांध बनता है। केकर किसका है? किसका है? मिश्रा जी का सेट नहीं हो पा रहा है इसमें, है ना? एक मिनट, हम सब करते रहे, कितने को आप करते रहे मीटिंग, ये सेट नहीं हो रहा है। एमें आवाज़ देखी जा रही नहीं जाएगी, कनेक्ट करना पड़ेगा। रुको, कनेक्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो, नहीं हो रहा है ना? हेलो, रुकिए कनेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो, रुके रुको, कनेक्ट नहीं है ना? ब्लूटूथ पहले हमको ढूंढने दीजिए। एक मिनट, मैं अभी कर दे रहा हूँ भाई। हो रहा बीच कैंडी आ गया होगा मुझे। हेलो हेलो, हाँ बेटा आवाज जा रही है। हेलो कर रहा हूँ, डिवाइस कनेक्ट हो रहा, पेयरिंग कर रहा है, थोड़ा टाइम लग देते लोगों को, ब्लूटूथ ऑन रहता है ना। पेयरिंग फेल, प्लीज मेक यू श्योर कैंडी बैट। नहीं हो पाएगा सर, वो वाला नहीं हो पाएगा। आवाज ऐसी करिए, आवाज तो जा रही है। ठीक है, हाँ बेटा, पाई बांड का फॉर्मेशन मैंने सिग्मा बांड पढ़ाया था।
पाई बांड बनाना स्टार्ट किया था, जब दो ऑर्बिटल के बीच समानांतर व्यापन होता है तो वहां पर पाई बांड बनता है। पाई बांड केवल पी और बी ऑर्बिटल के बीच बनता है। एक बात पुनः देख लो, ये दोनों मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, जब पी ऑर्बिटल का इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो वहां पर सिग्मा बांड बनता है, पर जब दोनों पी ऑर्बिटल समानांतर व्यापन करते हैं, जब एक ऑर्बिटल का संपूर्ण सिरा दूसरे ऑर्बिटल के संपूर्ण सिरे से अतिव्यापन करता है अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वहां पर पाई बांड बनता है। पाई बांड केवल एक प्रकार से प्राप्त होता है, पी एंड पी ऑर्बिटल, पी और पी ऑर्बिटल के बीच पाई बांड का फॉर्मेशन होता है। देखिए आप जानते हैं पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल सेल, दो पी ऑर्बिटल लेते हैं, दोनों का एक दूसरे से समानांतर व्यापन करते हैं जिससे पाई बांड का फॉर्मेशन होता है। देखिए मैंने दो पी ऑर्बिटल को स्पर्श करा दिया, यही है फॉर्मेशन ऑफ पाई बांड। देखिए दोनों पी ऑर्बिटल के बीच समानांतर व्यापन हुआ तो यहां पर बन गया पाई बांड। स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, मैंने उस दिन आपको सिग्मा बांड से स्ट्रक्चर बनाया था अतिव्यापन करा के। देखिए बेटा इसमें कितने सिग्मा बांड हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच सिग्मा बांड हैं और एक पाई बांड। इस कंपाउंड में पांच सिग्मा बांड है और एक पाई बांड। अब मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बताने जा रहा हूं, आप बना लेंगे अच्छी बात होगी, ये पूछा नहीं जाता आपको इंटर में, हायर क्लास में जाएंगे पूछा जाएगा, यहां ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के नहीं कहा जाता। फिर भी आप समझिए इसमें पांच सिग्मा बांड है पाई बांड, पांच सिग्मा बांड हम इंड टू इंड ओवरलैपिंग कराएंगे। यहाँ देखो पांच सिग्मा बांड है, चार सिग्मा बांड या सब पी ऑर्बिटल के बीच बने हैं और एक सिग्मा बांड पी और पी ऑर्बिटल के बीच। इसमें कुल बेटा पांच सिग्मा बांड है, चार सिग्मा बांड या सब पी ऑर्बिटल के बीच बनता है, एक सिग्मा बांड पी और पी ऑर्बिटल के बीच बनता है। देखिए ये दो कार्बन हो गया, यहां देखिए मैंने यहां दो पी ऑर्बिटल बनाया है, एक पी ऑर्बिटल देखिए कार्बन कार्बन के बीच, यहां देखिए वो लैपिंग करा दिए। जब दो कार्बन के बीच पी और पी ऑर्बिटल के बीच इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो वहां पर सिग्मा बांड होता है। यहां दो कार्बन के बीच बेटा पी और पी ऑर्बिटल के बीच वो लैपिंग करा दिए, ये बन गया सिग्मा बांड। अब यहां सिग्मा बांड किसके बनाए, किसके बीच बनाएंगे, एस और पी, ये सिग्मा बांड बना बेटा एस और पी ऑर्बिटल के बीच। यहां देखिए एस और पी ऑर्बिटल के बीच, यहां देखिए एस और पी ऑर्बिटल के बीच, यहां भी एस और पी ऑर्बिटल के बीच, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा चार सिग्मा पांच सिग्मा, पांच सिग्मा हो गया और एक पाई बांड बनाना है। पाई बांड का ओवरलैपिंग समानांतर होता है। अब देखिए यहाँ पी ऑर्बिटल इसमें बना दिए, पी ऑर्बिटल इसमें बना दिए, इसका इससे ओवरलैपिंग करा दिए, ये हो गया पाई बांड। देखो टाइप पाई बांड बन गया, ये एथिलीन का स्ट्रक्चर है, एथिलीन एक कार्बन नेम है, इसका आई यूपीसी नाम है एथिलीन, एथिलीन साधारण नाम है, एथिलीन आई नाम है। इसमें
पांच सिग्मा हो गए पाई बांड, ये बेटा आर्बिटर डायग्राम है, सीख लीजिए, बना लेकर अच्छी बात होगी, नहीं कि पूछा नहीं जाता आप लोगों को। अगला देखिए एसिड रिलीज, सीएच ट्रिपल बॉन्ड सीएच, इसमें कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तीन, एक दो तीन, यहाँ पर तीन सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड, ये एसिटिलीन है, इसका एक नाम है एथाइल, इसका साधारण नाम एसिटिलीन है, आई विकिस नाम एथाइल है, इसमें बेटा तीन सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा, दो पाई हो गया। अब इसका हम आर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, देखिए यहां दो कार्बन है, देखिए यहां क्या बना सिग्मा बॉन्ड पी और पी आर्बिटल के बीच, और यहां जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एस और पी आर्बिटल के बीच इन बिटवीन दो वैक्यूम, एस का इन पोजिशन, पी आर्बिटल का इन पोजिशन, यहां देखिए इन बिटवीन दो वैक्यूम एस और पी आर्बिटल के बीच, इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटा, दो सिग्मा बॉन्ड एस और पी आर्बिटल, एस और पी आर्बिटल, और एक सिग्मा बॉन्ड पी और पी आर्बिटल के बीच, यह है सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें जो पाई बॉन्ड बनाना है, देखिए आप जो पाई बॉन्ड बना रहा हूं, ये दो पी आर्बिटल एक कार्बन हो गए, दो पी आर्बिटल एक कार्बन पर, ये बन गया बेटा पाई बॉन्ड, इसमें बेटा दो पाई बॉन्ड हो गए, टू पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड हुआ सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड हुआ सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड हुआ सिग्मा, किसके बीच बना एस एंड पी, ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बना एस एंड पी, ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच बना पी एंड पी, और ये दो पी आर पर किसके, दो पाई आर, दो पाई बॉन्ड किसके बीच बने पी एंड पी, तीन सिग्मा बॉन्ड बने, दो पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड एस और पी आर के बीच, एक सिग्मा बॉन्ड पी और पी आर के बीच, दो पाई बॉन्ड पी और पी आर के बीच, यह हो गया सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। साउंड न्यूट्रल बेटा अगला टॉपिक देखिए, सिग्मा और पाई बांड में अंतर, आकाश सिग्मा और पाई बांड में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंतर, दो कॉलम बनाएंगे, एक में सिग्मा बॉन्ड, दूसरे में पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड अंतर देखिए, पहला सिग्मा बॉन्ड में इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है, सिग्मा बॉन्ड में इंड टू इंड अतिव्यापन होता है, इंड टू इंड अतिव्यापन होता है, इसमें साइड बाय साइड अतिव्यापन,
इसमें साइड बाय साइड अध्याप रहता है, माने एक दूसरे को संपूर्ण सीधा एक दूसरे से अध्यापन करता है साइड बाय साइड। दूसरा देखिए, सिग्मा बांड सभी बांडों में पाया जाता है, चाहे वह सिंगल बांड हो, डबल बांड हो, ट्रिपल बांड। सिग्मा बांड एकल द्विव त्रिक बंध में पाया जाता है, अर्थात सिग्मा बांड सभी बंध में पाया जाता है, चाहे वह एकल बंध हो, चाहे द्विबंध हो, चाहे त्रिक बंध। जबकि पाई बंध द्विबंध व त्रिक बंध में पाया जाता है। इसका मतलब सिग्मा बांड प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होता है। कोई भी कंपाउंड होगा, सभी कंपाउंड में सिग्मा बांड प्रेजेंट रहता है। पाई बांड तभी प्रेजेंट रहेगा जब डबल या ट्रिपल बांड होगा। यह दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस देखिए, सिग्मा बांड का तीसरा डिफरेंस बेटा, यह स्ट्रांगर बांड होता है। स्ट्रांगर बांड सबसे मजबूत बांड होता है। जब आर्बिटर के बीच इंड टू इंड वाले पे होता है तो वह स्ट्रांग होता है। सिग्मा बांड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि पाई बांड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अर्थात यह स्ट्रांगर बांड होता है और यह वीकर बांड, यह सबसे कमजोर बांड होता है। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो पाई बांड टूट जाता है। सिग्मा बांड तो जब ज्यादा एनर्जी देंगे तभी सिग्मा बांड ब्रेक होता है। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा देखिए, चौथा सिग्मा बांड संकरण में भाग लेता है। यह संकरण में भाग लेता है। आप लोग संकरण जानते नहीं हैं, संकरण एक टॉपिक है, इसी बात पढ़ाएंगे इस चैप्टर में है। संकरण किसे कहते हैं तो यहाँ केवल इतना जानिए, सिग्मा बांड संकरण में भाग लेता है। यह संकरण में भाग नहीं लेता, ध्यान बेटा, पाई बांड संकरण में भाग नहीं लेता जबकि सिग्मा बांड संकरण में भाग लेता है। पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट है, सिग्मा बांड लेस रिएक्टिव। सिग्मा बांड कम अभिक्रियाशील होता है जबकि पाई बांड अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका मतलब हुआ सिग्मा बांड मजबूत होने के कारण यह कम अभिक्रियाशील होता है, जबकि पाई बांड कमजोर होने के कारण यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह था सिग्मा और पाई बांड में डिफरेंस। अब अगला काम देखिए, अगला टॉपिक है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दो बेटा, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉडी का। संकरण किसे कहते हैं इसको जानने के पहले जानिए संकरण किसके बीच बनता है। संकरण में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। संकरण में sp(d) ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। संकरण के निर्माण में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल और
डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। आप जानते हैं डी ऑर्बिटल डंबल सेट होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल सेट होता है और डी ऑर्बिटल डबल डंबल सेट होता है। इसका मतलब संकरण में एस पी और डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं। सबको ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, संकरण किसे कहते हैं, ध्यान से सुने उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा संकरण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शुद्ध ऑर्बिटल, जब दो या दो से अधिक शुद्ध ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपने ही जैसे एक नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उन्हें संकरण कहते हैं। एक बार ध्यान से सुने, जब दो या दो से अधिक शुद्ध ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपने ही जैसे एक नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो उन्हें संकरण कहते हैं। व्हेन वी मिक्सिंग टू आर मोर देन टू प्योर ऑर्बिटल टू गिव ए सेट ऑफ न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब जब तक दो ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे तो संकरण नहीं होगा, अर्थात दो ऑर्बिटल के मिलने के आधार पर संकरण निम्नलिखित प्रकार का होता है, जिसमें पहला है बेटा एसपी संकरण, दूसरा है एसपी टू संकरण, तीसरा होता है एसपी थ्री संकरण, चौथा एसपी थ्री डी वन संकरण, पांचवा एसपी थ्री डी टू संकरण, छठा एसपी थ्री डी थ्री संकरण। संकरण मुख्य रूप से छह प्रकार का होता है, जैसे एसपी एसपी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी वन एसपी थ्री टू एसपी थ्री थ्री। अभी आपको बढ़िया क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, तो उस यौगिक में बेटा या तो एसपी संकरण होगा या तो एसपी टू होगा या तो इनमें से कोई भी एक होगा। अब एसपी संकरण किसे कहते हैं, ध्यान दें, जब एक ऑर्बिटल, जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के पी ऑर्बिटल के साथ संकरण करता है, जब एक परमाणु का एस ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के पी ऑर्बिटल के साथ संयोग करता है तो वहां पर बेटा एसपी संकरण होता है। इसका मतलब हुआ एसपी संकरण में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग करते हैं जिससे एसपी संकरण होता है। एसपी टू संकरण क्या है, आप इसी से समझ सकते हैं, जब एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग करते हैं तो वहां पर एसपी टू संकरण होता है, अर्थात जब एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपने ही जैसे एक नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं उसे एसपी टू संकरण कहते हैं। इसी प्रकार से आप एसपी थ्री समझ सकते हैं, एसपी थ्री में एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है जिससे बनता है एसपी थ्री संकरण। इसका मतलब बेटा एसपी थ्री संकरण में एक परमाणु का एस ऑर्बिटल रहेगा और तीन पी ऑर्बिटल रहेगा। इसका मतलब जब दो परमाणु के बीच एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग करते हैं, संकरित होते हैं तो वहां पर एसपी थ्री संकरण का निर्माण होता है। When we mixing one s
एंड 3p प्योर आर्बिटल टू गिव ए न्यू sp3 हाइब्रिड आर्बिटल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं sp3d1 sp3d2 sp3d3। अभी हम आप लोगों को संकरण निकालना बता देंगे। इसके कई ट्रिक हैं बेटा, दो तीन ऐसे ट्रिक हैं विद इन सेकंड में प्रत्येक कंपाउंड का संकरण निकाल सकते हो बेटा। इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझें। जैसे आपसे कोई कह दिया इस यौगिक में कौन सी संरचना होगी, इस यौगिक में कौन सा कोण होगा, इस यौगिक में किस टाइप का संकरण होगा, वहां पर संकरण का उपयोग किया जाता है। यदि हमें मालूम हो गया इस यौगिक में sp संकरण होता है तो क्लियर हो गया स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। ध्यान दो बेटा, जिस यौगिक में sp संकरण होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। लीनियर का मतलब रेखीय। बंध कोण क्या होगा, 180 अंश। इसका मतलब क्या होगा बेटा, यदि हमें पता लग जाए इस यौगिक में sp संकरण है तो क्लियर है संरचना रेखीय होगा, बंध कोण 180 अंश होगा। अभी आप लोग सब जान जाओगे, मैं सिखा दूंगा किस यौगिक में कौन सा संकरण होता है, संरचना कैसे बनती है, बॉन्ड एंगल कैसे पता करेंगे कितना होता है। नो एनी प्रॉब्लम इन हाइब्रिडाइजेशन। आप संकरण निकाल लोगे, संरचना बना लोगे, बंध कोण सब जान जाओगे। पहले मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे सुनते जाइए, उसके बाद नो एनी प्रॉब्लम इन हाइब्रिडाइजेशन इन स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल। देखिए मैंने कहा कि जिस यौगिक में sp संकरण होगा क्लियर हो गया संरचना कैसा होगा, रेखीय। बंध कोण क्या होगा, 180 अंश। इसी प्रकार से जिसमें sp2 संकरण होगा उसका स्ट्रक्चर बेटा होता है ट्राइगोनल, त्रिकोणी, और बॉन्ड एंगल होता है 120। जिस यौगिक में बेटा sp2 संकरण होगा उसकी संरचना क्या होगी, त्रिकोणी, बॉन्ड एंगल 120। लर्न कर डालिए, याद कर डालिए, ये फिक्स है। यदि किसी यौगिक में sp संकरण होगा तो उसकी संरचना क्या होगी, रेखीय। बंध कोण क्या होगा, 180 अंश, ये फिक्स है। जिसमें sp2 संकरण होगा उसकी संरचना क्या होगी, ट्राइगोनल, त्रिकोणी, और बॉन्ड एंगल बेटा 120 अंश, ये फिक्स है। जिसमें बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल, हिंदी में चतुष्क फलकीय, चतुष्क फलकीय, और बॉन्ड एंगल होता है 109 एंगल 28 मिनट। इसका मतलब हुआ जिसमें sp3 संकरण होगा उसका बंध कोण, उसमें संरचना चतुष्फलकीय होगा, बंध कोण 109 अंश 28 मिनट होगा। इसमें आपको जानना क्या है, हम संकरण सिखा देंगे, संरचना बनाना बता देंगे, तो बॉन्ड एंगल भी अपने आप जान जाओगे, ये फिक्स है बेटा। यदि किसी यौगिक में sp संकरण होगा तो संरचना रेखीय होगा, बंध कोण 180 अंश होगा। इसको आप लोग लर्न कर डालिएगा कि किसमें कौन सी संरचना होगी, बंध कोण क्या होगा। इसी प्रकार से भी देख लीजिए 3, 1, 4, 5, इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल, पेंटागोनल, इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 एंड 120। जिसमें बेटा sp3d1 हाइब्रिड होता है उसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल, पंचकोणी या पंचभुजी, और बॉन्ड एंगल होता है 90 एंड 120। अब देखिए sp3d2 3, 1, 4, 2, 6, जिसमें
छह ऑर्बिटल होते बेटा उसका स्ट्रक्चर क्या था, हेक्सागोनल, लेकिन कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। अष्टफलकीय जिसमें एसपी थी बीटू आर्डर होता है उसका स्ट्रक्चर क्या आता है, अष्टफलकीय। और बॉन्ड एंगल क्या आता है, 90। जिसमें एसपी थी बीटू आर्डर होता है उसका संरचना क्या आता है, अष्टफलकीय। बंद कोण क्या होता है, 90। ये लर्न कर डालिए बेटा, एक बार लर्न कर लेंगे तो हम आपको संकरण निकालना बताएंगे, संरचना बनाना बताएंगे और बॉन्ड एंगल बता देंगे। तो केवल आपको याद क्या करना है, संकरण, संकरण कैसे निकालोगे केवल यही समझना है और याद कर लेना है यह संकरण होगा संरचना क्या होगा। अब देखिए सिर्फ 3, 1, 4, 3, 7 इसका स्ट्रक्चर का नाम होगा हेप्टागोनल या हेप्टागोनल या पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका बॉन्ड एंगल होता है कहीं कहीं 72 होता है, कहीं कहीं 90 होता है और कहीं कहीं 120 होता है। तो आप लोग बेटा याद करिए, एक बार और सुन लो, जिस यौगिक में एसपी संकरण होगा उसकी संरचना रेखीय होगी, बंद कोण 180 अंश होगा। जिसमें sp2 संकरण होगा उसकी संरचना त्रिकोणीय होगी, बंद कोण 120 अंश होगा। जिसका संकरण sp3 होगा संरचना चतुष्फलकीय होगा, बंद कोण 109 अंश 28 मिनट होगा। जिसमें sp3 द्विवल संकरण होगा उसकी संरचना पंचकोणीय होगी, बंद कोण 90 एंगल एंड 120 एंगल, 90 अंश और 120 अंश होगा। जिसमें sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल अर्थात अष्टफलकीय होगा, बंद कोण 90 अंश होगा। जिसमें sp3 d3 संकरण होगा उसकी संरचना हेप्टागोनल सप्तकोणीय सप्तभुजी या पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचकोणी द्विभुजी द्विपिरामिडल द्विपिरामिडी। और बॉन्ड एंगल होता है कुछ बॉन्ड एंगल 72 होगा, कुछ 90 होगा, कुछ होगा 120। यह था संकरण के प्रकार। इसके अलावा भी कुछ संकरण होते हैं जैसे d2sp3 ये भी संकरण के रूप में आता है, लेकिन ये आपके सिलेबस के बाहर है। केवल मुख्य रूप से आपको 3 पढ़ना है, sp sp2 sp3, लेकिन मैं सब पढ़ा दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। एक बार और ध्यान से लो, संकरण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शुद्ध ऑर्बिटल आपस में मिलकर अपने ही जैसे एक नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं उन्हें संकरण कहते हैं। कोई आपसे कह दे sp संकरण किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलाया जाता है, संयोग करते हैं, तो एक नए संकरित ऑर्बिटल के रूप में sp ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे sp संकरण कहते हैं, जिसे sp संकरण कहते हैं। इसी प्रकार से sp2 संकरण किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल एक दूसरे में मिश्रित किए जाते हैं अर्थात मिलाए जाते हैं तो एक नए संकरित ऑर्बिटल के रूप में sp2 ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे sp2 संकरण कहते हैं।
आप लोग बेटा संकरण याद कर लीजिएगा, संकरण का संरचना निश्चित होता है और जिसका स्ट्रक्चर निश्चित होगा उसका बांड एंगल भी निश्चित होता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, बांड एंगल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। संरचना किस पर डिपेंड करता है? संकरण पर। यदि हमें पता चल गया इस यौगिक में एसपी संकरण है, संरचना क्या होगा? रेखीय बंध कोण क्या होगा? 180 अंश होगा। इसी प्रकार से सभी यौगिक में अलग अलग संकरण होता है, उसकी संरचना अलग अलग होती है और सबका बंध कोण नियत होता है। अब संकरण कैसे निकाला जाता है, अब इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे। संकरण कैसे निकाला जाता है, उसकी संरचना कैसे बनती है, बंध कोण क्या होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हाँ बेटा ध्यान दें, संकरण का ट्रिक आपको नेक्स्ट बताएंगे। संकरण कैसे निकाला जाता है इसका मैं दो तीन फार्मूला बताऊंगा, आप विद इन सेकेंड में संकरण निकालोगे। जब संकरण निकालोगे तो प्रत्येक संकरण का संरचना फिक्स है, बंध कोण फिक्स है। थैंक यू बेटा। अब संकरण का जो ट्रिक है, संकरण कैसे निकाला जाता है, उसको आई विल डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू। क्या बेटा? आज देखिए बेटा, अभी पता लगाते हैं, बताते हैं, नहीं बता रहा।